Hello students, let's see this question. The question says which of the following is an example of homogeneous equilibrium? चार options आपको given है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा homogeneous equilibrium होता है, ठीक है? अब homogeneous equilibrium वो होती है situation जिसमें आपके reactant and product same phase में हो, या तो सारे solid में हो, या सारे liquid में ही हो, या सारे gases में ही हो, ठीक है? तो वो सारे क्या होते हैं? Homogeneous equilibriums होते हैं, ठीक है? तो अगर आप A reaction देखेंगे, तो देखो SO2 गैस में है, O2 गैस में है, SO3 गैस में है, तो ये क्या हो गया? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम हो गया. सी में बी ऑप्शन में देखो कार्बन सॉलिड में दिया है बट H2O गैस में दिया है और CO गैस में दिया है एंड H2 गैस में दिया है. तो यहां पर क्या देख रहे हो कि एक आपका कार्बन के सॉलिड फॉर्म में दे दिया है. सो दो डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट है, एक सॉलिड है और एक गैस है, इस वजह से ये हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया. सी में अगेन कार्बन CaCO3 आपका सॉलिड है, CaO सॉलिड है बट CO2 आपका गैस है, तो अगेन दो टाइप के फेजेस प्रेजेंट है तो ये भी हीट्रोजीनियस हो गया. डी में देखो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड NH4HS ये सॉलिड में है लेकिन NH3 गैस में और H2S गैस में है, सो अगेन यहाँ पे दो टाइप के फेजेस दिख रहे हैं तो ये भी क्या होगा? हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा. सो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता. तो ओनली ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.